hello students today we will read the 10th chapter of gulmohar class 2 the golden windows kamla lived in a house on the side of a hill from her garden she could see another house a special house a house with golden windows it was on a hill across a valley कमला लिव्ड इन अ हाउस ऑन द साइड ऑफ अ हिल कमला एक घर में रहती थी जो कि हिल के बगल में था फ्रॉम ह गार्डन शी कुदर हाउस वो अपने घर से दूसरा घर देख सकती थी अ स्पेशल हाउस एक स्पेशल घर एक खास घर अ हाउस विथ गोल्डन विंडोज ऐसा घर जिसके विंडोज गोल्डन है गोल्डन कलर के हैं सोने के हैं इट वॉज ऑन अ हिल अक्रॉस अ वैली वो एक पहाड़ी पे था वैली के बगल में वैली के उस पार कमला वांटेड टू विजिट दैट हाउस कमला उस घर में जाना चाहती थी एवरी आफ्टरनून शी लुकड एट द गोल्डन विंडोज हर दिन वो उस गोल्डन विंडोज वाले घर को देखती थी आई विश आई कुड लिव इन अ हाउस लाइक दैट शी थॉट और सोचती थी कि काश मैं ऐसे घर में रह पाऊँ जिसके विंडोज़ गोल्डन हो जिसके विंडोज़ गोल्ड के बने हो इट मस्ट बी वंडरफुल टू लुक आउट ऑफ गोल्डन विंडोज़ कितना अच्छा लगता होगा गोल्डन विंडोज़ से बाहर देखना वो ऐसा सोचती है सी थिंक दिस शी हैड शिहारत थाट समाइम्स शी वुड आस्क हर मदर टू टेक हर फॉर अ वॉक अक्रॉस द वैली कभी कभी वो अपनी माँ को उसे वैली के उस पार ले जाने के लिए कहती थी नॉट टुडे कमला हम मदर वुड से आई विल टेक यू सम अदर डे व्हेन आई एम नॉट बिज़ी और उसकी मम्मी कहती थी उसकी माँ कहती थी कि किसी और दिन ले चलूँगी आज मैं बिज़ी हूँ फॉर हर एट बर्थडे कमलाज़ ग्रैंड मदर गेव हर अ बाईस्किल कमला वॉज सो हैप्पी वेरी शून सी लर्न टू राइड अ बाइस्किल वेरी वेल कमला के एट बर्थडे पे उसकी ग्रैंड माँ ने उसे एक बाईस्किल गिफ्ट किया कमलाज ग्रैंड मदर गेवरा बाईस्किल कमला वॉज सो हैप्पी एंड कमला वॉज वेरी हैप्पी वेरी शून सी लर्न टू राइड अ बाईस्किल वेरी वेल और जल्दी ही उसने बाइस्किल चलाना सीख लिया देवर्न मैनी कारण बसेज ऑन द रोड

मदर शी सेट प्लीज़ मे आई राइड माई बाईस्किल वो अपनी माँ से परमिशन ले रही है कि क्या मैं साइकिल चला सकती हूँ अक्रॉस द वैली क्या मैं अपनी साइकिल से वैली के इस पार से उस पार जा सकती हूँ आई विल भी केयरफुल एंड एंड आई प्रोमिस मैं सावधान रहूँगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ आई विल बी बैक बिफोर इट गेट्स डार्क अंधेरा होने से पहले मैं वापस आ जाऊँगी आई वॉन्ट टू सी द हाउस विद द गोल्डन विंडोज़ मैं वो घर देखना चाहती हूँ जिसके विंडोज़ गोल्डन कलर के हैं सोने के हैं कमलाज़ मदर न्यू शी वॉज़ केयरफुल शी सेड ऑल राइट बट प्लीज़ टेक केयर कमला की माँ जानती थी कि वो बहुत सावधानी के साथ गाड़ी साइकिल चलाती है वो बहुत केयरफुल है सावधान है शी सेड ऑल राइट बट प्लीज टेक केयर हाँ ठीक है तुम जा सकती हो बट सावधानी बरतना ठीक से जाना थैंक्स सेट कमला एंड शी रस्ड आउट ऑफ द हाउस कमला अपनी माँ को थैंक्स कहती है और घर से बाहर निकल जाती है रश आउट तेजी से बाहर निकलना रश

thought that the house was close by. उसे लगता था कि घर नज़दीक है but now she found that it was quite far. मगर अभी उसे पता चला कि घर काफ़ी दूर है At last she reached the house. She left her bicycle outside the gate. She could not wait to see those golden windows. आखिरकार वो पहुँच जाती है She reached the house. She left her bicycle outside the gate. वो अपना साइकिल गेट के बाहर आउटसाइड द गेट गेट के बाहर छोड़ देती है शी कुड नॉट वेट टू सी दोज़ गोल्डन विंडोज़ वो रुक नहीं पा रही थी उन गोल्डन विंडोज़ को देखने देखने के लिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू लुक एट दोज़ गोल्डन विंडोज़ बट एज शी वेंट नियर विंडो शी हैड अ शॉक जैसे ही वो विंडो के नज़दीक जाती है उसे शौक लग जाता है वो चौक जाती है द विंडोज़ वे मेड ऑफ़ ग्लास एंड नॉट गोल्ड वो खिड़कियाँ ग्लास की बनी थी शीशे की बनी थी एंड नॉट ऑफ़ गोल्ड सोने की नहीं बनी थी शी थाट शी वुड क्राई वो ये सोच कर रोने रोने जैसे ही उसकी हालत हो जाती है उसे लगा कि वो रो देगी शी वॉज डिसअपॉइंटेड वो बहुत दुखी थी सैड अपसेट थी डिस होना मतलब दुखी होना सैड होना अपसेट होना शी डिसम और फिर वो डिसाइड करती है कि वो वापस घर जा रही है As she began to paddle, जैसे ही वो साइकिल चलाना शुरू करती है शी लुक्ड अक्रॉस द वैली एट हर ओन हाउस वो वैली के उस पार से अपना घर देखती है शी सॉ समथिंग दैट मेड हर स्टॉप उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो रुक जाती है शी कुड सी हर ओन हाउस एंड द विंडोज गोल्डन वो अपना घर देख सकती थी और उसे उसके घर के जो विंडोज़ थे वो गोल्ड दिख रहे थे गोल्डन दिख रहे थे सोने के दिख रहे थे दे वे ब्लेजिंग लाइक गोल्डन फ्लेम्स वो बिल्कुल चमक रहे थे गोल्डन फ्लेम्स की तरह आग की तरह जैसे आग चमकती है गोल्डन कलर की सडनली शी अंडरस्टूड इट वॉज द रेज ऑफ द सन दैट फेल ऑन द विंडोज एंड मेड देम शाइन लाइक गोल्ड फिर अचानक उसे ये बात समझ आती है कि विंडोज गोल्ड के नहीं हैं द विंडोज आर नॉट मेड ऑफ गोल्ड द सन मेड दैम शाइन लाइक गोल्ड ये सूरज की किरणें हैं इट वॉज द रे ऑफ द सन दैट फेल ऑन द विंडोज एंड मेड दैम शाइन लाइक गोल्ड जो कि खिड़की पर गिरती हैं और उसे सोने की तरह शाइन करवाती हैं चमकती हैं शी हैड नेवर सीन हर ओन हाउस फ्राम द अदर साइड ऑफ द वैली उसने कभी अपना घर वैली के घाटी के उस पार्ट से नहीं देखा था शो सो सी टू लिव इन अ हाउस विद गोल्ड एन विडोज आफ्टर ऑल वो रोज ये देख कर उस घर को सोचती थी कि आई विश आई कुड लिव इन अ हाउस विद गोल्डन विंडोज काश मैं एक दिन ऐसे घर में रहूं जिसके विंडोज गोल्डन के हों आज वो देख रही है कि उसके घर के भी विंडोज गोल्डन ही दिखते हैं सो फाइनली शी इज ऑल्सो लिविंग इन अ हाउस विथ गोल्डन विंडोज ओके सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ कमला नाउ लेट्स Move to the exercises we will complete the exercises complete these sentences in a few words the house across the valley was special because it had golden windows kamla sometimes asked her mother to take her for a walk

Across the valley, Kamla found that the windows were of glass and not of gold. The ray of the sun made the glass window shine like gold. ओके नेक्स्ट बी टेक द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाई डिड कम मदर लेट हर राइड हर बाइस्किल अक्रॉस द वैली कमला की माँ ने उसे वैली के अक्रॉस घाटियों में साइकिल चलाना क्यों अलाउ किया शीनू कमला वॉज़ केयरफुल क्योंकि वो जानती थी कि कमला केयरफुल है सावधानी से साइकिल चलाती है कमला थाट शी वुड क्राई वाई शी वॉज वेरी सैड कमला को लगा कि वो रो देगी क्यों शी वॉज़ वेरी सैड टू फाइंड आउट द विडोज़ वेर नॉट ऑफ गोल्ड वो काफ़ी दुखी थी जब उसे ये पता चला कि विंडोज़ गोल्ड के नहीं बने हैं ट्रू Next, why were the windows of the house golden? The sun rays made them shine like gold. Suraj ki kirne usse sone jaisa dikhati thi. Okay? chamkati thi. Structure. Simple past tense, regular and irregular verbs. We know that past tense has most verbs in form by adding... डी एंड ई डी हम जानते हैं कि पास टेंस में वर्ब्स में क्या लग जाते हैं डी और ई डी लग जाते हैं अधिकतर वर्ब्स में ज्यादातर वर्ब्स में द वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं रेगुलर वर्ब्स कहते हैं जिसमें पास्ट टेंस वाले फॉर्म में डी या ई डी एड होता है फॉर एग्जाम्पल लिव लिव्ड वॉन्ट वॉन्टेड प्ले प्लेड नाउ रीड दी सेंटेंसेस कमलाज ग्रैंड मदर गेव हर अ बाइस्किल कमला की ग्रैंड मदर ने उसे एक बाइस्किल दिया दिस इज गेव नॉट गे गिव्ड और द फॉर्म ऑफ गिव चेंज टू गेव ओके कमलाज मदर न्यू शी वॉज केयरफुल कमला की माँ जानती थी कि वो केयरफुल है दिस इज ऑल्सो न्यू नो से न्यू कमला फाउंड दैट द हाउस वॉज क्वाइट फार अवे फाइंड का फाउंड फाइंड चेंज होके के पास में क्या हुआ फाउंड सम वर्ब्स डू नॉट टेक डी और ईडी कुछ वर्ब्स यहां आप एग्जाम्पल में देख रहे हो डू नॉट टेक डी और ईडी वो डी और ईडी नहीं लेते हैं बट चेंजेस देयर फॉर्म कंप्लीटली इन द पास्ट टेंस उनका फॉर्म बिल्कुल बदल जाता है पास्ट टेंस में दे आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को क्या कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं गिव गेव नो न्यू फाइंड फाउंड स्टडी दीज वर्ब्स एंड देयर पास्ट टेंस फॉर्म बिगिन Begin changes to began in past tense. Make, made, fall, fell, see, saw, go, went, think, thought. Complete these sentences with the correct past tense form. Kamla lived in a house on the side of the hill. Live changes to lived. Kamla dash the house was near. Think changes to thought. Think changes to thought. Kamla thought the house was near. She dashed across the valley at her own house. Look changes to looked. She looked across the valley at her own house. She dashed to paddle back to her house, begin changes to began. She began to paddle back to her house. She does sometimes that as her stop. she see changes to saw, she saw something that made her stop, make changes to, made, made her stop. The rays of the sun fell. On The windows fall, fell. Study the past tense forms of a few more verbs drink, drank, eat, ate, meet, met, teach, taught, wake, woke. Complete the answers of this question, these questions with the correct past tense form of the verb in color. I when did you go to bed last night I went to bed at 8 o'clock go changes to went when did you wake up today i woke up wake changes to woke i woke up at 6:30 what did you drink drink changes to drank i drank a glass of milk what did you eat for breakfast? I ate eat changes to ate two idlis at for breakfast. What did you who did you meet on your way to school this morning? I met my new neighbors. Meet changes to met. What did your teacher teach in the first period our teacher taught teach changes to taught taught us english in the first period word in use kamla learned to ride her bicycle very well ride her bicycle may i ride my bicycle across the valley स्टडी दिस स्टेबल राइड वॉट ऑल वी राइड ऑल टू व्हीलर्स दो चक्के वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं वी राइड दैम अ बाइस्किल वी राइड अ बाइस्किल वी राइड अ स्कूटर वी राइड अ मोटरसाइकिल मोटर बाइक मोटरसाइकिल ड्राइव नेक्स्ट वर्ड इज ड्राइव वी ड्राइव ऑल द फोर व्हीलर चार चक्के वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं आप उसको ड्राइव करते हैं वी ड्राइव अ कार वी ड्राइव अ लॉरी वी ड्राइव अ बस वी ड्राइव अ वैन ओके रो रो बोट वी रो अ बोट बोट को क्या करते हैं आप रो करते हैं चलाते हैं पतवार से सेल सेल अ शिप वी सेल अ शिप फ्लाई एंड वी फ्लाई एन एरोप्लेन एंड अ हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन को क्या करते है? हैं उड़ाते हैं ओके Look at these pictures and complete the sentences. The man is driving a car. The girl is riding a bicycle. The ship is sailing on the sea. The man is Driving a bus. The pilot is flying an aeroplane. The man is rowing a boat. function इन द स्टोरी कमला आस्क हर mother टू लेट हर टू राइड हर bicycle across the द वैली कमला आस्क हर for फॉर परमिशन टू डू समथिंग you यू आस्क परमिशन इजाजत लेना किसी से इजाजत मांगना कुछ करने की परमिशन मांगना करने की ओके मदर सेड कमला प्लीज मे आई राइड माई बाइस्किल अक्रॉस द वैली मदर कमलास मदर सेट ऑल राइट बट प्लीज टेक केयर वर्क इन पेस प्रैक्टिस आस्किंग फॉर एंड गिविंग परमिशन मे आई कम यू आर लेट यू वॉन्ट टू गो इन टू द क्लास आप लेट आए हैं और क्लास में जाना चाहते हैं वॉट यू आस्क योर टीचर मे आई कम एंड मैडम योर टीचर्स गिव यूर रिप्लाई ऑल राइट बट प्लीज डोंट बी लेट अगेन यू वॉन्ट टू यूज योर अंकल्स बायस्किल आप अपने अंकल का बाइस्किल यूज करना चाहते हैं हाउ यू आस्क फॉर परमिशन अंकल प्लीज मे आई राइड योर बाइस्किल प्लीज मे आई राइड योर बायस्किल Or, uncle, may I ride your bicycle? Uncle, alright. But be careful. Next is you want to watch a cricket match in the evening. You cricket match evening the And what will you ask your father? You, father, may I watch the Cricket, match, evening, in the evening. Father, alright, but come early. Next is you want to watch a cartoon on television. You to your mother, you. Please may I watch cartoon on? Please may I watch cartoon on television? Mother, all right, but go to bed at nine. Dictionary work write these set of words in alphabetical order alphabetical order we have already done this so many times first in, first one is already done for you in second you will see all the words first one is starting with t second is c then t then f so what comes first c c for chair this is one after c a b c d e f fan second one is fan then third will come table and tube light both starts with t so we will see the second alphabet a and u a comes first so this will be third table and then tube light okay Come to the third question. Bread, banana, beans, brinjal. Everyone starts with B. Every word starts with B, is starting with B. So we will look for the second word. Second alphabet. Second alphabet is R A E R. So A comes first. So banana is first one. B A N A N A banana. Second comes E. So B E A N S beans. Third in bread and brinjal is left, so both are RR. So we will go for the third alphabet. Third alphabet is E and I. Okay, E comes first, so bread, B R E A D bread, then brinjal, B R I N J A L brinjal. Okay, this one is third, this one will be fourth. Last question. बेड कवर बेड पिलो पिलोकेस बी बी बट दिस इज अ स्मॉल वर्ड बेड ओनली दिस इज बेड आफ्टर बेड दर इज़ कवर ऑल्सो सो बेड वेलकम फर्स्ट देन बेड कवर देन पिलो एंड देन पिलोकेस ओके नेक्स्ट इज पंचन वी नो देंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप हम जानते हैं कि हर सेंटेंस के एंड में क्या होता है एक फुल स्टॉप होता है रीड दीज सेंटेंसेज इट वॉज अ हाउस विद गोल्ड एन विंडोज एंड इज अक्सक्मेशन मार्क एट द एंड वाई द विंडोज मेड ऑफ ग्लास एंड नॉड ऑफ गोल्ड एक्सक्लमेशन मार्क दीज सेंटेंसेज शो फीलिंग्स

The birds sing so beautiful. You are very surprised listening to a bird, and you are saying that bird sings so beautiful, and you will put exclamation mark. Okay? I will help you after some time. Full stop. Wait! Don't run away. You say you are saying this with a feeling, so you are putting an exclamation mark. Please turn out the lights.

Next is writing, you are Kamla, you have just come back from the ride across the valley. Complete these sentences about what you saw. Aapne kya dekha, uspe aap Kamla hai, aapko sentence fill karna hai, complete karna story. Mother, that house, house is not close by. Ma, wo ghar nazdik nahi It was quite far. Kaafi I went across the valley and I looked at the windows i got a shock the windows are not made up made of gold they are made of glass then i looked across the valley at the windows of our house our windows are golden i know now why the rays of the sun fall on the windows they make the windows shine brightly okay so with this the chapter is completed if you have any doubt you can ask me in comments and so with this we have completed the 10th chapter Thank you for watching the video guys don't forget to like subscribe and share the videos and for more videos of this book next videos or the previous chapters you can go to the playlist of RVM online classes and in playlist of class 2 you will get all the chapters of english hindi math science social studies anything